टीवी सीरियल इमली अब तक का सबसे पॉपुलर ड्रामा रहा है और सभी को ये सीरियल काफी पसंद आ रहा है। ये सीरियल टीआरपी रेटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक कि फैंस को भी आर्यन और इमली की केमिस्ट्री बहुत पसंद है, जिस वजह से उन्हें टेलीविजन का सबसे आइकॉनिक कपल कहा जाता है। अब जल्द ही सीरियल 20 साल का लंबा लीप लेने वाला है, जहाँ पर कहानी इमली, आर्यन की बेटी और चीनी पर फोकस करने वाली है। ऑडियंस को जितना फैमन और सुंबुल की जोड़ी अच्छी लगती है, उतना ही उन्हें चीनी का कैरेक्टर भी पसंद है। दर्शकों को चीनी का इमली आर्यन के साथ जो बॉन्डिंग है वो काफी पसंद आती है। चीनी का किरदार निभा रही केवा कुछ महीने पहले ही शो में एंट्री की थी और तब से ही वो लोगों के दिलों में घर कर गई है। केवा जो कि चीनी का किरदार निभा रही है, वो बहुत सारे BTS वीडियो पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती है, जिसमें फैमान के साथ उनकी बॉन्डिंग देखने लायक होती है। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के दिन भी केवा ने फैमान को राखी बांधी थी, साथ ही सुंबुल के साथ भी काफी वीडियो शेयर करती है। अब हाल ही में केवा यानी कि चीनी ने एक इंटरव्यू में फैमान और सुंबुल के रिश्ते के बारे में खुलासा किया है, जहां केवा शेफाली से उसकी और इमली की बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया था, जिसके रिप्लाई में केवा शेफाली कहती है कि सुंबुल ज्यादातर मेरे साथ नहीं होती है, ना ही मेरे कमरे में होती है, क्योंकि वो ज्यादा समय फैमान खान के कमरे में बिताना पसंद करती है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि फैमान खान और सुंबुल तौकीर अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, यहाँ तक कि उनके अफेयर के रूमर्स तक आ चुके हैं, लेकिन इस बात पर उन्होंने कन्फर्मेशन नहीं दी है। वो एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड ही बताते हैं। कहानी में लीप के बाद फैंस फैमान खान और सुंबुल तौकीर को काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं। फिलहाल केवा के स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।